आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 रुपए किलो में प्याज खरीदकर आप उसे 70 रुपए किलो में कैसे बेच सकते हैं। साथियों, हमारे देश में ज्यादातर प्याज की खेती करने वाले किसान यही गलती करते हैं कि प्याज की खुदाई करते ही वो सीधा मंडी लेके चले जाते हैं उसे और कोई भी औने पौने भाव पे बेच देते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कमाल का तरीका बताऊंगा जिसमें आप प्याज की खुदाई करने के बाद उसे मंडी में ना ले जाकर उसी प्याज को एक जुगाड़ तरीके से गोदाम में 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और 10 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बैठे बिठाए कमा सकते हैं। इसी के बारे में और जानकारी लेने के लिए मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाता हूं जिसने पिछले कुछ सालों में यही तरीका अपना के 90 लाख रुपए से ज्यादा कमाए हैं। नमस्कार साहब, मैं सुनील कुमार पाटीदार, ग्राम मानपुर, जिला इंदौर। तो भाई साहब, आपने 15 एकड़ में प्याज कर रखा है जी, और अच्छी पैदावार लेते हैं। बिल्कुल, नवंबर में प्याज बोया जाता है, मार्च में हमारा प्याज खुद जाता है, कट जाता है, हार्वेस्ट हो जाती है। खुदने के बाद जब बेचने जाओ तो किस किस महीने में कितना कितना रेट आ जाता है? इसका रेट तो मार्च अप्रैल में जो है वो 6 रुपए से लेके 8-10 रुपए तक होता है। अच्छा जी। उसके बाद फिर जून में 10-12 रुपए भी हो जाता है। अच्छा जी। और 15-17 रुपए जुलाई में हो जाता है। अच्छा, हाँ, ऐसे बढ़ते बढ़ते 60-70 रुपए तक भी हो जाता है। आज तक आपने मैक्सिमम मुनाफा कितना कमाया है ये प्याज को स्टोर करके? ये तो 19 में काफी मुनाफा हुआ था, 2019 में। 2019 तो उस समय आपने कितना प्याज खुद उगाया, कितना खरीदा? मेरे पास उस समय तो 4,000 कट्टे लगभग थे। खरीदा भी था कुछ? नहीं, खरीदा नहीं था उस समय, पर 4,000 पूरा उस समय रख लिया था मैंने। अच्छा, तो जब आपने 4,000 कट्टे आपके प्रोडक्शन हुई खेत में, तो मार्च में क्या रेट था उस समय? मार्च में 7 से 10 रुपए के बीच के रेट थे। और आपने कितना टाइम स्टोर करा और कितने में बेचा? मैंने उसको 4 महीने रोका था करीब, और 40 से 45 रुपए के बीच में सारा बेचा था। फिर 40 से 45 रुपए में सारा बेचा था। तो इसको एक बार ऐसे समझते हैं, 4,000 कट्टे थे, 4,000 कट्टे इंटू 70, तो आपका तकरीबन 2,80,000 किलो आपने प्याज उगाया, जिसको अगर आपने खेत से ही सेल कर दिया होता मार्च में, तो आपको 8 रुपए के हिसाब से 22 लाख रुपए आपका इसमें आमदनी होती। हाँ। खर्चा हटा के इसमें भी आपको 12-13 लाख 15 लाख तक आराम से, बचता जी। पर आपने स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद आपने 4 महीने रखा जी। 4 महीने के बाद कितना वजन कम हो गया उसमें? कम से कम ये मान के चले आप, जो 2,80,000 किलो था वो कितना किलो बचा? 2,02 से 2,25 लाख किलो के आसपास बचा हो। तो 2,15,000 किलो मान लेते हैं हम जी। किस रेट पे बिका? 40 से 45 रुपए के बीच में सारा बेचा था मैंने, मतलब एवरेज माने तो 42 रुपए किलो में सारा बेच दिया। 42 रुपए किलो में आपने वो बेच दिया जी। तो कुल मिला के 90 लाख रुपए का आपने प्याज बेचा। अगर 4 महीने पहले बेच दिया होता तो वो 20-22 लाख का बिकता। सीधा सीधा आपका मुनाफा इसमें 60 लाख रुपए, 60-70 लाख, 70 लाख का सीधा सीधा मुनाफा हो गया। जो प्याज की खेती में आप 15 लाख बचा रहे थे, वहीं आपने 70-80 लाख रुपए कमाए मात्र 4 महीने की मेहनत में जी। तो क्या गेम है ये? स्टोरेज के लिए पहले तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए वो समझाइएगा। पहले तो हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो टीन शेड में अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। टीन शेड में होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बारिश जब होती है, हमारे इधर बारिश ज़्यादा होती है, और अच्छा, टीन शेड क्या बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। हाँ। तो एक अंदर जो हीट बनती है वो प्याज को थोड़ा सुरक्षित रखने में बहुत कारगर होती है। हाँ। तो बेसिकली मेनली मॉइस्चर मारता है आलू प्याज को जी। तो गर्मी ज्यादा होगी तो मॉइस्चर कम होगा, अगर पानी थोड़ा आ भी गया अंदर तो ज्यादा गर्मी होने से प्याज की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि टिन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो ये आपने जो बना रखा है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, किस साल में बनाया? ये बनाया था हमने अभी करीब 17 साल पुराना हो चुका है ये। अच्छा जी। और लंबाई चौड़ाई है इसकी 60 बाई 80, 60 फीट बाय 80 फीट। कितनी लागत में बन गया था ये? उस समय तो लागत काफी कम थी सर, 5 से 6 लाख रुपए ही बन गया था उस समय। अच्छा, और आज के टाइम पे क्या लागत आ जाएगी? आज के टाइम तो इसको बनाते हैं तो 25 लाख से ऊपर की लागत आएगी। साथियों, क्या आपको पता है कि ये सेम टू सेम प्याज का गोदाम बनाने के लिए 50% से ज्यादा की सब्सिडी सरकार आपको देती है? जी हाँ साथियों, इस सब्सिडी के अंदर आपको 2.25 लाख रुपए के अंदर ये गोदाम तैयार करने का मौका मिल जाता है। ऐसी और बहुत सी सब्सिडीज हैं जो आप लोगों को मिल सकती है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को इन सब्सिडीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने बनाई है हल ऐप। इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको खेती से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलेगी और सब्सिडी का भी एक मैंने अलग सेक्शन इसमें डाला है, जिसमें आपके लिए कौन सी सब्सिडीज अवेलेबल हैं वो आपको मात्र 2 से 4 मिनट में पता लग जाएंगी। बस दिक्कत इतनी सी है कि साथियों, मैं खेती करने के साथ साथ ये ऐप बना रहा हूँ, तो ये जो सारे फीचर्स हैं इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हर हफ्ते हम नए नए फीचर्स लेके आएंगे। और बहुत से लोगों ने हमें ये सुझाव दिया था कि ये ऐप हिंदी में भी आना चाहिए, तो इस हफ्ते हल ऐप का हिंदी वर्जन भी मैंने लॉन्च कर दिया है, तो आप नीचे दिए गए लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्याज को स्टोर करने के लिए क्या फंडामेंटल है? प्याज को स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो प्याज लगाया है या जहाँ से आप खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो लंबे समय तक रुक सके। और जब निकला है प्याज, जहाँ से जिस खेत से निकाला गया है, उसमें धूप ना लगी हो। धूप ना लगी हो? हाँ, धूप अगर लगी होगी जब निकालते समय, अगर ज़्यादा धूप लग जाती है या उसका छिलका निकलने लगता है उसी समय खेत में, तो वो स्टोर करने योग्य नहीं होता है। अच्छा, मतलब जब आप स्टोर करने के लिए जो प्याज निकाल रहे हैं उसकी पत्तियाँ पूरी तरह से स्वस्थ और हरी होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अच्छी क्वालिटी वाला ही प्याज स्टोर करें, सेकेंड क्वालिटी वाला या वो वाला प्याज की वैरायटी जो ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं सकती, जिसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, उस प्याज को आप गोदाम में मत डालिएगा, उस प्याज को आप हाथों हाथ खेत से ही मंडी बेच दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए आप आधा प्याज बेच देते हैं, बाकी प्याज को ही स्टोर करते हैं। ठीक है, कोई इस टाइप का जैसे आपकी तरह स्टोरेज करना चाहे, उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? उसके लिए बस यही है कि वो या तो खुद का प्रोडक्शन कर रहे हैं या और कहीं से खरीद रहे हैं, देखें कि अगर और कहीं से खरीद रहे हैं तो जो प्याज की क्वालिटी वो सबसे अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, धूप ना लगी हो प्याज को, उसका छिलका निकला हुआ नहीं होना चाहिए, प्याज एक जैसा है या नहीं है, और कम पानी का तो नहीं है। अगर कम पानी का प्याज है तो वो इतने लंबे समय तक रुकता नहीं, ख़राब होता है। अच्छा, तो प्याज स्टोर करते वक्त सबसे अच्छी बात आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो एक बार अभी खेत में दोबारा चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का प्याज स्टोरेज के लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि देख के ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। प्याज जो हम हार्वेस्ट करते हैं उसका निकालने का जो समय होता है, उस समय ये पत्तियाँ पूरी तरह से स्वस्थ और हरी होना चाहिए, जिससे प्याज लंबे समय तक टिका रहता है और वो इस शेप में आ जाता है करीब करीब। ये हम लोग ने जो प्याज अब निकाल के रखी है हार्वेस्ट करके स्टॉक के लिए, इसको इस तरीके से उखाड़ के और पूरा ढक के रखा है ताकि इसे धूप ना लगे, और कम से कम 7 से 8 दिन इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसे निकालने के जब साफ़ करने का समय आएगा तो यहाँ से इसकी जड़ें और ये पत्तियाँ काट के रख देंगे। और अगर जैसे ये प्याज निकाल के रखा है और कटाई की है इनकी, यहाँ से साफ करके अगर कट्टे में रखा और उस समय अगर कोई कारण से बारिश होती है या मऊठा गिरता है और इसको पानी ज़्यादा लगता है उस समय प्याज को, तो आप स्टॉक करने के लिए इसे अवॉइड करें, इस प्याज को स्टॉक ना करें। तो हमने ये समझ लिया कि टॉप क्वालिटी का प्याज कौन सा है, उसको स्टोर करने के लिए क्या क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे हवा का संचालन अच्छा होना चाहिए, थोड़ा वो समझाइएगा। हवा के संचालन के लिए जो एग्जॉस्ट आते हैं, एग्जॉस्ट फैन जो आते हैं, पंखा, वो लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, वो एक जाली का पूरा एक सर्कल बना के रखते हैं, नीचे भी जाली बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर प्याज रख देते हैं, और प्याज के बीच में सर्कल्स लगाते हैं जाली के, और उस जाली के ऊपर एग्जॉस्ट फैन रख देते हैं ताकि हवा जो एग्जॉस्ट होता है वो ऊपर से नीचे की साइड फेंकता है, और वही हवा फिर नीचे से निकल के पूरे प्याज में सोके बाहर जाती है। तो वो उनको चलाने का एक समय भी नियत कर रखते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे पूरे टाइम नहीं चलाना उनको, एग्जॉस्ट जो है वो सिर्फ हम लोग 4 से 6 घंटे चलाते हैं दिन में, नहीं रात में चलाते हैं कोशिश करके। दिन में तो हम लोग बारिश में चलाते हैं, अगर बारिश हो रही है कंटिन्यू, अगर 2-4 घंटे अगर दिन में धूप निकली है उस समय दिन में एग्जॉस्ट चलाते हैं हम लोग। अच्छा, ताकि गर्म हवा अंदर जा सके। अच्छा, लेकिन जब ताज़ा स्टोर करते हैं या मई जून में करा हुआ है और उस समय एग्जॉस्ट हम रात में इसलिए चलाते हैं ताकि गर्म हवा अंदर ना फेंके वो। अच्छा, गर्म हवा फेंकने से वजन कम हो जाएगा इसलिए? हाँ, गर्म हवा जब जाएगी प्याज के अंदर तो वेट लॉस बहुत होगा, वजन कम करते ही वो। तो मेन आइडिया ये है कि हमें उतनी ही हवा देनी है जितने में प्याज बचा रहे। ज्यादा हवा दे देंगे तो वो हवा नमी को प्याज से खींच लेगा, तो प्याज का वजन कम हो जाएगा।
अच्छा तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई प्याज आपका खराब हो रहा है या सड़ रहा है तो वो हवा उसे वहीं के वहीं रोक देती है, सुखा देती है, इससे दूसरा प्याज खराब नहीं होता है। आलू और प्याज में स्टोरेज का एक ही मेन नियम है, एक भी प्याज में से पानी निकल गया वो जिस जिस प्याज को को पानी लगेगा छुएगा वो प्याज वो खराब खराब हो होगी। जाएगा। तो इसमें आपने हवा का संचालन अच्छे से रखना है, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं ठूस देना है। कोई भी सिस्टम बनाओ, बहुत सारे सिस्टम हमने देखे हैं, कहीं कहीं पे पाइप घुसा देते हैं प्याज के अंदर और उससे हवा देते हैं, आपने केज सिस्टम कर रखा है, जिसको जो बजट में लगे वैसा वो कर सकता है। और इसके साथ साथ ताकि जब भी किसी प्याज में कुछ खराबी हो वो पता लग जाए तो कुछ कुछ टाइम बाद उसको बाहर निकाल के धूप लगा के दोबारा भी करते हैं, सॉर्टिंग रेडिंग चलती रहती नहीं, है। सॉर्टिंग रेडिंग हम लोग इस गोडाउन में सॉर्टिंग रेडिंग नहीं करते हैं। अच्छा एक बार अगर प्याज स्टोरेज कर लिया है तो उसको उसी समय निकालते हैं जिस समय उसे बेचना होता है, अच्छा जब तक निकालते नहीं, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो कुछ होता ही नहीं उसमें, वो फिर टिक जाता है। हाँ टिक जाता है। अच्छा अगर आप कट्टे में रख रहे हैं, बोरे में रख रहे हैं, तो उसको फिर सॉर्ट आउट करना पड़ता है। सॉर्टिंग करनी पड़ती है। हाँ आप जिस हिसाब से कर रहे हैं उसमें यही इंजीन्यूटी है कि उसको बार 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 लेबर खर्चने की जरूरत नहीं है। नहीं, सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है बरसातों में, बारिश में आती है। तो एक बार बताइए मुझे, अगर फरवरी या मार्च में, फरवरी एंड में अभी आपका प्याज खुदने ही वाला है, हाँ कितना उसका शेल्फ लाइफ मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं? दिसंबर तक जा सकता है, दिसंबर तक जा सकता है। जा सकता है, अच्छा पर होता वही है कि उसका वेट लॉस फिर बहुत होता है। अच्छा अगर 100 किलो रखा है आपने तो दिसंबर तक उसमें से आपको 50 किलो ही बचेगा, बाकी 50 किलो खत्म हो जाता है। बहुत इतन से लोग कैलकुलेशन ये कर लेते हैं और वो आधी कैलकुलेशन होती है दरअसल, कि 6 रुपये का प्याज खरीद लिया हार्वेस्ट के टाइम और उसके बाद वो सोचते हैं कि इसका 60 रुपया रेट मिल जाएगा, जो किस्मत अच्छी हो तो मिल भी जाता है। पर ये देखिएगा कि 6 महीने 8 महीने प्याज पड़ा रहा गर्मी में तो उसका वेट लॉस भी हो जाता है, आपके हिसाब से 50% वेट लॉस हो जाता है। जी बिल्कुल होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर 6 रुपये का प्याज या 5 रुपये का प्याज खरीदा है तो वो 10 रुपये की कॉस्टिंग पड़ जाएगी सिर्फ वेट रिड्यूस होने के कारण। इसके अतिरिक्त और क्या क्या कॉस्टिंग आती जितना है? लंबा समय रखेंगे उतना वेट लॉस होगा। मान लो आपने अप्रैल में रखा है और जून जुलाई में बेचा है तो वेट लॉस कम होगा, दस जैसे जैसे परसेंट होगा मतलब हाँ से। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेट लॉस बढ़ते जाएगा। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बाज़ार, आप बिल्कुल बाज़ार पे अपनी नज़र बनाए रखें। आपको लग रहा है कि मैंने 10 रुपये में ख़रीदा था और आज 15 रुपये के बाज़ार हो गए, तो उस समय जितना ख़रीदा उसका कम से कम 50% बेच लें उस समय आप, अच्छा तो नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं लोग, वही वही फंडा आपको यहाँ पर वही फंडा चलाना है, है। किसी कंपनी के शेयर उठा लिए, गिरने लग रहे हैं तो आधे बेच दिए कि हाँ और ज्यादा गिरा तो रिस्क कम हो जाएगा। जी तो इसमें थोड़ा मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल मार्केटिंग पे ही बात करें तो ये प्याज जो आप यहाँ स्टोर करते हैं, जी, इस गोदाम की कितनी कैपेसिटी है स्टोरेज की? इसकी कैपेसिटी है सर करीब 8,000 कट्टे, 8,000 कट्टे, 70 किलो सत्तर किलो के। वाले हैं। और इसमें से अपनी प्रोडक्शन कुल मिला के 15 एकड़ में कितनी होती है? 5,000 कट्टे के लगभग होती है। 5,000 कट्टे के। तो आप इसको पूरा भर के रखते हैं, क्या नहीं करते पूरा हैं? तो नहीं भरते हम लोग, जैसे 50% में कितनी बार खेत में से बेच देता हूँ तो हाँ मेरे पास कमी बचा होता है बिल्कुल। तो उतने ही रख लेता हूँ, या फिर लग रहा है कि आगे चांसेस हैं बाजार मिल सकते हैं तो फिर खरीद लेते हैं। अच्छा तो अगर आपको लग रहा है रेट अच्छा इस साल जाने वाला है तो हाँ आप बाकी किसानों का भी माल उठा लेते हैं, बाकी का भी उठा लेते हैं। क्या अभी आपको आज तक प्याज को स्टोर करने में नुकसान हुआ? नहीं अभी तक तो कोई नुकसान नहीं नुकसान हुआ। का सौदा नहीं है, रिस्क है, रिस्क इस चीज का कि कितना मुनाफा होगा, पर ऐसा नहीं है कि आपने रख के छोड़ दिया और आप भूल गए, भूल गए, वो नहीं होगा। नुकसान आते इसलिए नहीं हुआ अभी तक कि जैसे इस बार भी जो हमने प्याज रखा था उस समय ये सोच के रखा था कि 15 रुपये किलो तक प्याज हमें बेचनी है, 7 रुपये का रखा था, तो और जैसे ही बाजार हुए 15 रुपये की हमने बेच बेच दिया लिया तो फिर। उसमें नुकसान कम हुआ, और आगे लग ही रहा था कि अब प्याज बहुत है तो बिकेगा नहीं। एक बड़ा सवाल ये रहता है कि आपने जो 4 महीने बाद प्याज बेचा वो जी तब 45 रुपये का भाव जा रहा है, तो उसमें लालच आ जाता है कि ये 50 रुपये का चला जाएगा 2 महीने बाद। हाँ लालच तो आता है, पर हमें वो देखना है कि बस हमें इतना पैसा मिल रहा हमारे लिए पर्याप्त है, उस समय हमें बेचना भी चाहिए वो। अच्छा या ज़्यादा समय रुकेंगे तो हो सकता है कि फिर बाज़ार कम हो, एक बार अगर बाज़ार 2 रुपये किलो कम हुए तो फिर आप फिर रुकोगे, बोले अच्छा यार फिर जी 2-4 दिन और देखते, ऐसे करते करते बाज़ार कम होने लगता है, उस बीच हम हिम्मत नहीं करते हैं बेचने की, उसको बेच ही नहीं पाते तो फिर। आपने क्या रूल सेट कर रखा है कि कम से कम घाटा हो? मैंने तो मेरा तो एक रूल सेट है कि मैं जिस समय प्याज स्टॉक करता हूँ तो उस समय देखते हैं यार आसपास क्या कंडीशन बैठ रही है,
कितना उत्पादन आ रहा है या कहाँ कैसी फसल है, उस समय अपन तय कर लेते हैं कि आज अगर 7 रुपये बेच रहे हैं या 10 रुपये बेच रहे हैं तो इसको स्टॉक करने के बाद 15 रुपये 18 रुपये के बाजार जिस दिन होंगे उस दिन हमें बेचना है, और बस मैं इसी अपनी पॉलिसी पे रहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा लालच नहीं करते? नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लालच करते ही नहीं हम। अब इसमें देखो गेम क्या है, हमारा साउथ इंडिया से ऊपर ले ले सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया जो मेन प्याज के गढ़ है, यहाँ पे प्याज मार्च में मैक्सिमम सबका खुद जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है, लेकिन प्याज साउथ इंडिया में सितंबर में भी आता है। तो अगर जो साउथ इंडिया का प्याज है वो ज़्यादा बारिश होने के कारण ख़राब हो गया, तब तो आप मान के चलो कि प्याज जो आपने गोदाम में रखा है चाहे वो 5 रुपये का खरीद के रखा है वो 50 रुपये 60 रुपये से ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन सितंबर में अगर साउथ में अच्छी प्रोडक्शन हो गई, सितंबर अक्टूबर अच्छा प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र अच्छा अगर आता है तो रेट के चांसेस कम होते हैं, गिर भी सकता है, गिर भी। अब उनकी प्रोडक्शन हद से ज्यादा अच्छी होगी। देखो प्याज खाने वाले लोग इतने हैं, खेल सारा प्रोडक्शन का है, खाने वाले इतने ही है, प्रोडक्शन कम हो गई रेट बढ़ जाएगा, खाने वाले इतने ही है प्रोडक्शन ज्यादा हो गई साउथ इंडिया में आ गया या भारत सरकार ने इम्पोर्ट कर लिया विदेश से जी तो रेट गिर जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, प्याज तो ऐसी चीज है जिससे सरकार गिर जाती है, 130 रुपये किलो जब प्याज पहुंचता है तो नारे लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए इतना सिंपल नहीं है ये खेल, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग है, शेयर बाजार है, कुछ ना कुछ वैसा ही यहाँ पे भी DNA है, सिमिलैरिटीज है। बिल्कुल सही है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए वो आपको पता लग जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।